प्रकट हुआ और सामने आकर बोला, मैं तेरे भी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तू ये पोषे छोड़, और तू जो यह है धर्माचरण कर रहा है, ये धर्माचरण नहीं है, ये मिथ्यात्व है, तू इसे छोड़, और अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा मैं तुझे मारूंगा। भाइयों, कहानी का कहना बड़ा आसान होता है, कहानी कहना और सुनना बड़ा सरल होता है, कहानी का घटना आसान नहीं होता। जो वो घटित होती है उसका घटित होना वो आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। आप सोच कर देखें, अगर रात्रि का समय हो, एकांत हो, दूसरा कोई नहीं हो, अगर एक जरा कहीं पर खट भी हो जाए, कुछ गिर पड़े, कुछ हो जाए, तो आदमी चौंक कर पड़ता, क्या हुआ, और कहीं कुछ और ऐसा हो जाए और मुश्किल की बात हो जाए, और जब सामने ऐसी कोई शक्ति सामने आ जाए, तलवार लेकर के आ जाए और स्पष्ट चेतावनी दे, मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, है ना मुश्किल काम। शाव को बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कहानी कहना सुनना तो बड़ा आसान होता है, घटित होना आसान नहीं होता। उस स्थिति के अंदर कामदेव की क्या स्थिति थी, ये देखने की बात है। वह व्यक्ति कामदेव श्रावक विचलित नहीं हुआ, जरा भी नहीं हुआ, क्योंकि उसे निश्चय था। क्या निश्चय था उसे, कि जो भी कुछ घटित होगा या कुछ बात होती है वो शरीर पर होगी, आत्मा पर नहीं होगी, ये उसका निश्चय था, इसलिए वह विचलित नहीं हुआ। और उसने अपने भीतर में यही बात कही, जो महावीर का धर्म है, जो उनका उपदेश है वो सत्य है, पूर्ण सत्य है, उसके अंदर किंचित भी कहीं भी कोई असत्य नहीं है, और मैं उसको नहीं छोड़ सकता। शास्त्र में श्रावकों का जिक्र आता है, कई जगह पर आता है, तो वहां आता है उनके जीवन में दृढ़ता कैसी थी, तो वहां कहा अठे मिंज पेमाणु राग रत्ता, अठे मिंज धम्माणु राग रत्ता, ये शब्द आए कि उसको, उस श्रावक को धर्म से कितना प्रेम था, कितना ज्यादा प्रेम था। हम तो यानी वर्तमान की बात कर रहा हूं, थोड़े साहित्य की बात कर रहा हूं, जब कोई बात कहनी हो और बतानी होने बड़ी गहराई के साथ क्या कहेंगे, मेरे तो रोम रोम प्रेम भरा है। भाइयों, श्रावको, तत्व को, ज्ञान को समझने की कोशिश करो, हमारी पहुंच कितनी है, रोम रोम प्रेम भरा है, मेरे रोम रोम में ऐसा है, किसका नाम लेते हैं, रोम का, मेरे रोम रोम में ऐसा है। इससे आगे नहीं गए, इससे आगे नहीं गए, यहीं तक रह लिए, और रोम के पहुंच कितनी है, त्वचा तक है, त्वचा में है, थोड़ा सा नीचे तक है, बस बात खत्म होगी, इससे बड़ा तो कोई शब्द ही नहीं मिला हमारे को, जो भी पढ़ने को मिला उसमें शब्द ही नहीं मिला। कहां तक की बात कही, अठे मिंज पेमाणु राग रत्ता, अस्थि हड्डियों में और हड्डियों में पाया जाने वाला एक तत्व होता है, वो जो तत्व है उसको मज्जा कहते हैं, मज्जाओं तक में
जो भरा हुआ था। और कितनी गहराई, इसके बाद तो बात ही खत्म होगी, कुछ रहा ही नहीं, वहां तक चले गए। यहां तक तो बात त्वचा तक रही थी, इतना प्रेम, इतना गहरा धर्म प्रेम कि हड्डियों और मज्जाओं तक में भरा हुआ था। अठी मिंजे प्रेमाणु राग रत्ता, धर्म के प्रति, अपने आराध्य के प्रति इतना ज्यादा प्रेम है कि वह हड्डियों और मज्जाओं तक में भरा हुआ है, बाहर तक नहीं। ये जो बाहर त्वचा की बात है, ये तो बाहर की है, इतने गहराई तक है, इतना धर्म प्रेम। बंधुओं, श्रावक श्राविकाओं, सोच करके देखो, इतना प्रेम धर्म से, धर्म से इतना लगाओ कि अस्थियों तक में समाया हुआ है। तभी वे लोग जिसके जीवन में ऐसा घटा, ऐसा हुआ, जिसके जीवन में हुआ, वो कभी विचलित नहीं हुए। विचलित के बाहर कुछ लगा है, झाड़ दें, उतार दें, और जो भीतर हड्डियों में है वो कैसे हटे, वो नहीं हट सकता। देव ने कहा मैं तुझे मारूंगा, कुछ नहीं, कोई असर ही नहीं पड़ा इस बात का तो। और वो तलवार ले करके दिखाता है प्रहार करने के लिए, उनके ऊपर आता है, ऐसी कोशिशें करता है, लेकिन कामदेव उठकर भागे नहीं जान बचाने को, क्योंकि निश्चय था आत्मा अजर अमर है, आत्मा को तलवार काट नहीं सकते, ये निश्चय था, इसलिए नहीं भागे। और नहीं तो बैठा रहना क्या, बड़ा मुश्किल था। तलवार की बात आने से पहले कहता भाई तू जो कुछ कहता मैं तो कर दूंगा, मेरा पीछा छोड़। किसी तरह से आदमी हाथ जोड़ करके और वहां से हट जाता, ये स्थिति बनती। फिर समझोगे इस बात को, और पुनः कह रहा हूं तत्व को और ज्ञान को समझना। जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसमें होता क्या है। बंधुओं और बहनों, श्रावक श्राविकाओं, क्या होता है उसमें, उसकी कुछ बात बता रहा हूं। वो निश्चय किस प्रकार का है, पहली बात बंधुओं कही जाती है और बताई जाती है, और वह यह है कि आत्मा है। क्या है, आत्मा है। आत्मा छे, रायचंद भाई के शब्दों में बता रहा हूं, लेकिन ये जो तत्व है ये शास्त्र का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। भाषा कहीं भी कोई भी हो सकती है, जो ज्ञान है वह शास्त्र का है, महावीर का है। पहली बात कही आत्मा छे, आत्मा है, यह है अपने भीतर में निश्चय हो आत्मा है। आप फिर कहेंगे तो इससे मना कौन करता है, मना तो कोई नहीं करता, पर ये व्यवहार का ये कहना अभी तक आत्मा की हमारी क्या स्थिति है नहीं कह सकते। निश्चय है या नहीं है, मुश्किल बात है। आत्मा छे, नित्य छे, आत्मा है और वो नित्य है। नित्य का मतलब क्या हुआ, नित्य का मतलब है त्रैकालिक। क्या हुआ, नित्य का मतलब क्या हुआ, त्रैकालिक, पहले थी, आज है और भविष्य में भी होगी। एक शब्द में कहा नित्य छे, नित्य है, अर्थात आत्मा त्रैकालिक है। आत्मा का जन्म नहीं हुआ, आत्मा किसी ने बनाई नहीं, आत्मा तो एक ऐसा द्रव्य है जो नित्य है, पहले था, आज है, आगे रहेगा, ऐसा है। आत्मा नित्य है ये निश्चय हो, केवल पंक्ति याद होने से बात नहीं बनेगी, अपने भीतर में ऐसा निश्चय होना चाहिए। और क्या, छे कर्ता निज कर्म,
और यह आत्मा अपने कर्म का कर्ता है। जो भी कर्म है वो कहीं से ऐसे किसी के भेजे हुए चिपकाए हुए या और ऐसे नहीं है। इनका जो कर्ता है वह कौन है? थोड़े सा सहयोग दिया करो। कर्म का कर्ता कौन है? आत्मा है। छे कर्ता निज कर्म, और फिर आगे की बात भी इसके साथ में, छे भोगता, भोगने वाला भी यही है। अपना किया हुआ कर्म स्वयं ही भोगना होगा, और कोई नहीं भोगता, स्वयं को ही भोगना पड़ता है, स्वयं को ही उसका फल जो है वो पाना पड़ता है, और कोई इसको आकर के नहीं भोगता है। और फिर बंधुओं, इसके साथ में जब ये है कर्म है, और फिर कर्म का फल भोगने वाला जो है वो आत्मा ही है, और फिर क्या कहें, क्या निश्चय हो? जिसको ये निश्चय होता है वो बाहर के अंदर भटका नहीं करता। भटकन जो है वह उनकी है जिनके भीतर में निश्चय नहीं होता। थोड़ी सी बातें कुछ आपको तत्व ज्ञान के बारे में बताना चाहूँगा बंधुओं। संसार के अंदर कैसे कैसे क्या क्या विचारधाराएं और चिंतन है बंधुओं। जैसे मैंने अभी कहा निश्चय सम्यक दर्शन की बात, निश्चय सम्यक दर्शन श्रद्धा है। इस श्रद्धा को हम श्रद्धा भी कहते हैं, और ये जो श्रद्धा है व्यक्ति की, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। वो हमारी परंपरा में श्रद्धा शब्द है, निष्ठा आस्था इसी के ही नाम है। और बंधुओं इसी श्रद्धा को विश्वास भी कहते हैं, अपना अपना विश्वास है। भरोसा भी कहते हैं, अपना अपना भरोसा है। और बंधुओं इसी को ही फेथ भी कहते हैं, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना भरोसा है। ये सब किस तरह से मामला है? वेद के अंदर कहा तीन बातें जिस व्यक्ति में होती हैं, तीन बातों पर विश्वास जिसको होता है वह आस्तिक होता है। तीन बातों पर जिसको विश्वास होता है वह आस्तिक होता है। अब वहां की बात है, वहां के अनुसार बता रहा हूं। पहली बात, जिसको वेद पर विश्वास हो वो तो कहेंगे, हम कहते हैं हमारे को आगम पर विश्वास है, आपको वेद पर विश्वास है, किसी को कुरान पर विश्वास है, किसी को बाइबल पर विश्वास है, अपने अपने विश्वास है। पर बात समझ लें, जिसको वेद पर विश्वास, आस्तिक की परिभाषा चल रही है, आस्तिक जो है वह कौन होता है उसकी बात है। जिसको वेद पर विश्वास हो, दूसरी बात कही जिसको ईश्वर पर विश्वास हो। ईश्वर पर विश्वास, अब ईश्वर पर विश्वास किस रूप में? वह जगत का निर्माता है, वह जगत का नियंता है, वह जगत का संचालक है। ईश्वर है, स्वामी है, मालिक है, सब कुछ वह करता है, उसके ऊपर विश्वास हो। और बंधुओं तीसरी बात, जिसको पुनर्जन्म पर विश्वास हो। जिसको किस पर विश्वास हो? पुनर्जन्म पर। हम पहले कहीं थे, याद नहीं है, नहीं है, हम थे कहीं, हम कहीं से यहां पर आए हैं,
और यहां से कहीं जाएंगे। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, पहले थे आज हैं आगे, आगे भी हमारा कहीं जन्म होगा। तीन बात हुई। अगर इसको सरल करने को कहो तो बंधुओं मैं यूं कहूंगा, सत्य पर विश्वास हो। हम किसी धर्म ग्रंथ का नाम ही नहीं ले रहे, न तो हम जैन का नाम ले रहे, ना वैदिक का नहीं रहे, न कुछ। विश्वास किस पर हो? सत्य पर। जहां सत्य हो, सत्य मिले, पढ़ने को मिले, जानने को मिले, सुनने को मिले, सत्य जहां पर प्राप्त हो उसे ग्रहण करने का भाव है। पर क्या करें, जीवों की स्थिति ऐसी है, अलग अलग तरह की सी है, और की तो बात ही नहीं सुनना चाहते। कुछ आपको नहीं कह रहा ना, मैं किसी तरह के व्यंगों की बात किया करता हूं, मैं बात करता हूं केवल शास्त्र की, इधर उधर व्यंगों की बात नहीं, लेकिन ये तथ्य है। तथ्य क्या, औरों की तो बात ही नहीं सुनना चाहते, हमें पता ही नहीं। और कभी कभी तो इतना द्वेष हो जाता है, इतना द्वेष कर लेते हैं अन्यों के प्रति, पता नहीं कितने कर्म बांध ले द्वेष करके। तटस्थ रहना भी तो नहीं आता, संभाव में रहना भी तो नहीं आता, कितने कर्म बांध लेते हैं। एक बात बिल्कुल सहज सी, किसी भी हम ग्रंथ का नाम न रख करके केवल एक बात, और वो क्या, सत्य के प्रति रुचि हो। पहली बात, सत्य में श्रद्धा हो। दूसरी बात ईश्वर की है। ईश्वर को अगर हम अरिहंत और सिद्ध के रूप में कहते हैं, तो क्योंकि ईश्वर नाम में वो भी आते हैं,